नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा टरबाइन है उसमें जो थ्रस्ट बेयरिंग और जनरल बेयरिंग लगे रहते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो बेयरिंग्स क्या होते हैं? बेयरिंग होते हैं एक ये डिवाइस होता है जो लोड को सपोर्ट करता है और ये नेग्लिजिबल फ्रिक्शन के साथ में जो हमारा रोटेशनल मोशन है किसी भी शाफ्ट का वो अलाउ करता है। तो ये बेसिकली इसका काम है कि जो अगर कोई एक स्टेशनरी पार्ट है और एक रोटेशनल पार्ट है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लिजिबल कर देना, और ये जो हमारा जो रोटेशनल पार्ट है उसको इसका रोटेशन अलाउ करना, ठीक है। और साथ में जो लोड है उसको ट्रांसमिट करना। अगर मैं कहूँ कि अगर हम किसी कार के बारे में बात करें तो जो कार में जो बेयरिंग लगा रहता है तो वो कार का जितना भी लोड है, जितना भी वेट है, वो ग्राउंड तक टायर के थ्रू ट्रांसमिट करता है। और अगर हम टरबाइन की बात करें तो जो हमारा शाफ्ट है और उसके ऊपर जितनी भी ब्लेड्स लगी है या यहाँ पर जो हमारा जनरेटर है इसके ऊपर जो जो रोटेशनरी वाइंडिंग्स लगी है, तो इनका जितना भी लोड है वो लोड हमारा जो सपोर्ट है जो ग्राउंड बोल सकते हैं या जो हमारा जो फ्लोर रहता है उस पर ये लोड ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो ये बेयरिंग किस हिसाब से इसको अलाउ करता है या जो थ्रस्ट बेयरिंग है उसका यहाँ क्या काम है या जर्नल बेयरिंग का यहाँ क्या काम है? तो जो जर्नल बेयरिंग्स रहते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई ये शाफ्ट है तो इस पर कोई लोड लग रहा है, अगर कोई रेडियल लोड है या रेडियल फोर्स इधर जो लग रहा है इस शाफ्ट पर, तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अगर यहाँ कोई स्टेशनरी सिस्टम लगा रखा है तो ये स्टेशनरी और ये जो हमारी शाफ्ट है ये है रोटेशनल। तो अब अगर इस शाफ्ट को मैं इस स्टेशनरी सिस्टम पे रखूँगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बेयरिंग लगा देता हूँ। तो ये जो बेयरिंग है इसको मैं बोलूँगा जर्नल बेयरिंग। और ये क्या कर रहा है कि जो इस शाफ्ट का वेट है या इस शाफ्ट पे जो लोड था उसको इस स्टेशनरी पार्ट पर ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो बेयरिंग है उसमें हम ग्रीसिंग या जो ऑयल है उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल नगण्य हो जाए, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, और जो यहाँ जो बेयरिंग पे जो हीट जो जनरेट हो रही थी वो हीट भी हम ट्रांसमिट कर सकें किसी जो हमारा जो कूलर लगे हुए हैं उनके थ्रू बाहर एग्जिट कर सके जो यहाँ हीट बन रही है, ठीक है। जो हीट किस किस वजह से जनरेट हो रही है, क्योंकि जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा था वो हमने कम तो कर दिया लेकिन वो फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, तो उस फ्रिक्शन की वजह से माइनर हीट डेवलप जो हो रही है उसको हम यहाँ ऑयल के थ्रू, जो ल्यूब ऑयल हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, उस ल्यूब ऑयल के थ्रू यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। जो जर्नल बेयरिंग क्या कर रहा है कि जितना भी हमारा शाफ्ट का जो लोड है जो रेडियल डायरेक्शन में है, जो वेट है शाफ्ट का या जितने भी शाफ्ट में इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनका जो वेट है वो सपोर्ट सिस्टम तक ये ट्रांसमिट करने के लिए ये हमारा जो बेयरिंग है वो हेल्प कर रहा है, और साथ में ही ये बेयरिंग अलाउ कर रहा है जो हमारे शाफ्ट का रोटेशनल मोशन है उसको, ठीक है। अब जो थ्रस्ट बेयरिंग है ये जैसे कि ये दिख रहा है ये हमारा थ्रस्ट बेयरिंग है, ठीक है। ये है जर्नल बेयरिंग, ये भी जर्नल बेयरिंग, ये भी जर्नल बेयरिंग। तो थ्रस्ट बेयरिंग का क्या काम है? थ्रस्ट बेयरिंग का काम है कि ये अगर मेरी कोई शाफ्ट है तो इस शाफ्ट का लेफ्ट या राइट मूवमेंट अगर होगा या एक्सियल मूवमेंट होगा या कोई एक्सियल लोड इस पर लग रहा है तो उस लोड को सपोर्ट करने के लिए हम लगाते हैं हमारा थ्रस्ट बेयरिंग। तो थ्रस्ट बेयरिंग का बेसिकली जो काम है वो है कि जो एक्सियल लोड आ रहा है, ठीक है, किसी भी रोटेशनल जो शाफ्ट है उस पर जो एक्सियल लोड आ रहा है उस एक्सियल लोड को बेयरिंग के थ्रू जो स्टेशनरी जो हमारा जो सिस्टम लगा है, अगर मान लो यहाँ पर कोई ये मेरा यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है इस शाफ्ट का, तो अगर इस शाफ्ट पे कोई भी लोड अगर आएगा,
कोई भी फोर्स लग रहा है, कोई लोड लग रहा है, तो ये शाफ्ट यहाँ पर जो हमारा जो सपोर्ट है इसके कांटेक्ट में आएगी, और इसके कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये शाफ्ट को जो हमारा जो सपोर्ट है इसने स्टेशनरी सपोर्ट, ये इस शाफ्ट को घूमने नहीं देगा। तो इसको इसका रोटेशन अलाउ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बेयरिंग लगा देते हैं, ठीक है। अब ये बेयरिंग क्या कर रहा है कि जो ये जो लोड आ रहा है इधर से, एक्सियल लोड आ रहा है, इसको इस बेयरिंग के थ्रू हम जो हमारा स्टेशनरी सपोर्ट लगा हुआ है इस पर ट्रांसमिट कर देंगे, और साथ में ही ये जो शाफ्ट है इसको भी जो रोटेशनल मोशन है ये इसको बना रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि ये जो थ्रस्ट बेयरिंग और जो जनरल बेयरिंग ये क्या होते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा जो शाफ्ट है इसमें थ्रस्ट बेयरिंग लगा हुआ है, जो हमारा टरबाइन है इसमें, इस सिस्टम में हमारे पास में थ्रस्ट बेयरिंग सिर्फ एक लगा हुआ है, जबकि जनरल बेयरिंग बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे कि एक नंबर, फिर दो, तीन, चार, पाँच और छः, ठीक है। तो जितने भी हमारे सपोर्ट हैं इस शाफ्ट के वहाँ पर सब पे लगा होगा जनरल बेयरिंग, और जो हमारा जो सपोर्ट थ्रस्ट बेयरिंग है वो हमने लगा रखा है जो हमारा एचपी टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन है, उसके बिल्कुल जस्ट बाद में हमने ये बेयरिंग लगा रखा है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। ये हमने जो एचपी टरबाइन है उसके जस्ट पास में इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा आईपी टरबाइन है या जो हमारा एलपी टरबाइन है इसके अंदर क्या है कि ये बाईडायरेक्शनल है, जो स्टीम आएगी यहाँ पर अगर स्टीम इंग्रेस हो रही है इस टरबाइन में तो ये दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि दोनों तरफ जो ब्लेड्स पे जो लोड लग रहा होगा इस, ये दोनों साइड में जो फोर्स लग रहा होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और शाफ्ट पे जो लोड लगेगा हमारे एलपी टरबाइन की वजह से या जो आईपी टरबाइन की वजह से है वो नियर अबाउट जीरो होगा या बिल्कुल जो नेग्लेजिबल होगा जिस अमाउंट को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे आईपी टरबाइन में होगा कि यहाँ से स्टीम इंग्रेस हुई और आधी स्टीम में जो राइट साइड में और आधी स्टीम में जो लेफ्ट साइड में फ्लो करेगी, और जो जो हमारे शाफ्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एचपी टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन है, उसका डिज़ाइन क्योंकि बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ये सिंगल डायरेक्शन में होता है, तो अगर इधर से कोई स्टीम आएगी तो इसका फ्लो सिर्फ इधर रहेगा, और अगर इसका फ्लो स्टीम का फ्लो इधर है तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा शाफ्ट लगी हुई है इस शाफ्ट को भी इधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अगर ये शाफ्ट अगर इधर मूव होने की कोशिश करेगी तो इस शाफ्ट का ये जो मूवमेंट है इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने थ्रस्ट बेयरिंग लगाया, और इस थ्रस्ट बेयरिंग ये हमारे को हेल्प करेगा कि ये जितना भी ये लोड अगर इस पे पड़ रहा है, ये अगर मूवमेंट कोशिश कर रही है शाफ्ट मूवमेंट करने की, तो ये जो थ्रस्ट बेयरिंग है ये इसको रोक देगा, ठीक है। अब ये थ्रस्ट बेयरिंग के साथ साथ में यहाँ पर जो जो इसका जो रेडियल लोड है उसके लिए भी हमने यहाँ पर बेयरिंग लगा रखा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास में दो थ्रस्ट बेयरिंग भी है और साथ में एक बीच में जर्नल बेयरिंग भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो थ्रस्ट बेयरिंग है ये किस टाइप से बना रहता है, क्योंकि हमने ये बीच में लगा रखा है, यहाँ अगर किसी शाफ्ट के एंड पर लगाते, अगर यहाँ लगाते या यहाँ लगाते तो क्या होता कि ये जो शाफ्ट है ये हमारा कोई भी जो सपोर्ट होता उसके साथ में हम एक सिंपल बेयरिंग लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर शाफ्ट के बीच में यहाँ लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी शाफ्ट है उस पर कोलर बनाएंगे। अगर ये मान लो कोई शाफ्ट है तो इस पर हम पहले कोलर बनाएंगे, यहाँ पर कोलर बनाएंगे, और इस कोलर के अंदर जो हमारा थ्रस्ट बेयरिंग है उसको फिट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक्चुअल में जो यहाँ पर जो कोलर बनी है ये मान लो शाफ्ट की कोलर है और ये बेयरिंग है, और तो अब क्या होगा कि इनके बीच में हमने जो जो बेयरिंग है उसका इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन रहता है कि जो कोलर है उसके डायरेक्ट ये
जितना भी अगर मान लो कोलर इधर मूव होने की कोशिश करेगी, लेफ्ट या राइट मूव होने की कोशिश करेगी, तो ये कोलर इस बेरिंग पर जितना भी थ्रस्ट डालेगी, ये बेरिंग क्या करेगा कि जो स्टेशनरी जो हमारा सपोर्ट है उसको ये लोड ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो थ्रस्ट बेरिंग है और इसकी इसका जो ये बनावट कैसी रहती है कि ये जो हमारा एक्सियल लोड है उसको ले पाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर मान लो अगर ये बेरिंग की अगर कोई एक प्लेट है, ये कोई बेरिंग की दूसरी प्लेट है, ये मैं एक ही बेरिंग की बात कर रहा हूँ, ये इसके दो पार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि बीच में रोलर्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो बीच में ये रोलर्स लगे रहते हैं। अब क्या होगा कि अगर ये डिस्क इधर जो डिस्क है जो हमारी शाफ्ट की कॉलर के कनेक्शन में है, अगर ये मान लो शाफ्ट की कॉलर है, तो ये दोनों जो सरफेस है ये आपस में टच हैं। ठीक है, तो ये अगर शाफ्ट रोटेट कर रही है तो अब क्या होगा कि ये डिस्क भी रोटेट करेगी, जो बेरिंग की जो लेफ्ट डिस्क है वो भी रोटेट करेगी। लेकिन क्योंकि ये रोलर भी साथ में रोटेट करेंगे, तो हमारी जो ये जो थ्रस्ट बेरिंग की राइट कोलर है, ये वाली कोलर स्टेशनरी रहेगी और ये रोटेट नहीं करेगी। तो अब क्या हो रहा है कि अगर कोई लेफ्ट या राइट जो जो हमारा फोर्स लग रहा था या थ्रस्ट लग रहा था, वो इसके बेरिंग के थ्रू यहाँ पर जो स्टेशनरी सपोर्ट है उस सपोर्ट तक ये लोड पहुँच ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये तो हो गया हमारा थ्रस्ट बेरिंग कैसे काम करता है, और फिर आता है कि जर्नल बेरिंग कैसे काम करता है। तो अगर ये कोई शाफ्ट है तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बेरिंग लगाएंगे इसे। ठीक है, अब इस बेरिंग के दो पार्ट होंगे। ठीक है, अगर मान लो ये ऊपर बेरिंग का जो ऊपर की लेयर है, ये बीच की लेयर है। ठीक है, तो ये तो इसके बीच ये तो जो शाफ्ट है ये है हमारी शाफ्ट। ठीक है, तो ये पोर्शन तो शाफ्ट के अटैच रहेगा, शाफ्ट के साथ साथ घूमेगा, और यहाँ पे हमने जो बॉल्स लगा रखी है या रोलर लगा रखे हैं, तो अब क्या होगा कि ये शाफ्ट के साथ में बीच वाला जो पोर्शन है ये तो रोटेट करेगा, लेकिन ये पोर्शन है ये स्टेशनरी रहेगा, और यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट रहेगा तो अब क्या है कि इसका शाफ्ट का जितना भी लोड है इस सपोर्ट पे ये ट्रांसमिट कर देगा। तो ये था हमारा थ्रस्ट बेरिंग और जनरल बेरिंग। इसके बारे में आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।